जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे सावन के चमत्कारी महीने की। सावन माह कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगा? सावन माह में हम क्या करें क्या ना करें? सावन माह में सावन के सोमवार के व्रत किस प्रकार करें? अगर पूरे महीने के व्रत करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार करें? हम भूल कर भी क्या भगवान शिव को ना चढ़ाएं? भूल कर भी सावन के महीने में हम क्या ना खाएं? और हम सावन के इस पवित्र माह में ऐसा क्या संकल्प लेकर कार्य करें कि हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाए और भगवान शिव हमारी सारी मनोकामना पूरी करें? तो समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं सावन के चमत्कारी महीने की। सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक रहने वाला है। सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर भूलोक पर निवास करते हैं। मान्यता यह है कि शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करने पर सावन के महीने में कुछ उपाय करने पर भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव और माँ शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर भूलोक पर रहते हैं और अपने भक्त जनों पर उनका विशेष ध्यान रहता है और उनकी विशेष कृपा रहती है। इस सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं, साथ ही मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं, कावड़ भी ली जाती है, महाशिवरात्रि भी आती है, बहुत सारे पर्व इस सावन के महीने में आते हैं। हर दिन का विशेष महत्व है। सावन की एक पूरी सीरीज आपके पास आएगी, हर दिन का एक नया उपाय आपके पास आएगा, जिसे आप करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। आज सबसे पहले ये बात करें कि सावन के पवित्र महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में हम दैनिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं, बहुत अधिक फेरबदल की आवश्यकता नहीं। आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पूरे महीने के नहीं करें तो कोई नहीं, अगर आप सावन के सोमवार भी नहीं रख पाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। आपको लगता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो आप सावन के महीने में एक लोटा जल भगवान शिव को अगर भाव से अर्पित करते हैं, अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल पहले और फिर जल डालकर अगर अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव भाव के भूखे हैं, आपके निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए सावन के महीने में? नियम लेना चाहिए कि हम इस महीने के अंदर, इस महीने में जो सावन का महीना चल रहा है, चाहे वो मंगला गौरी व्रत हो चाहे सावन का सोमवार हो, अगर प्रतिदिन हमसे सेवा नहीं होगी तो सावन का जब सोमवार आएगा और मैं व्रत नहीं रख रही तो मैं तामसिक भोजन नहीं खाऊंगी, मैं सात्विक भोजन खाऊंगी या खाऊंगा, मैं जितना हो सके संभव अपने से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं उस तरह से मदद करेंगे। लेकिन भूल के भी सावन के महीने में आपको बैंगन नहीं खाना होता है, दही मट्ठा भी इस महीने में वर्जित माना जाता है क्योंकि बहुत सारे कीटाणु इस समय बरसात के मौसम में माहौल में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो इन चीजों को वर्जित माना गया है। सरसों का तेल अपने बदन पे लगाना भी वर्जित माना गया है। भगवान शिव को हल्दी या केतकी का फूल भूले से भी ना चढ़ाएं, इस बात का भी आपको सावन के महीने में विशेष ध्यान रखना है। आपको इस महीने में शुभ फल की प्राप्ति के लिए बेल पत्र जैसे भी संभव हो वैसे ही आप भगवान शिव को अवश्य ही भाव से अर्पित करें, चाहे वो सोमवार का दिन हो या ना हो, लेकिन सावन का महीना तो है ही है। इसके अलावा इस सावन के महीने जैसे 14 जुलाई से प्रारंभ होगा तो उससे पहले आप अपने घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए, लक्ष्मी के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम ऐसा क्या लेकर आ जाएं और अपने घर के मंदिर में रख लें कि सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाए भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ। तो आपको क्या करना है कि अगर आप लेकर आ सके तो चांदी का बेलपत्र मिलता है बाजार में, बिल्कुल पतली पतली पंखड़ियां तीन होंगी बेलपत्र की तरह और बिल्कुल हल्का सा होता है और बहुत अधिक महंगा नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप वो ला सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा त्रिशूल ला सकते हैं, भगवान शिव का त्रिशूल ला सकते हैं। लकड़ी का डमरू, चांदी का सोने का लाने की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी का या प्लास्टिक का भी अगर डमरू मिलता है तो वो भी आप ले आते हैं अपने घर में, और अगर सुबह शाम हल्की हल्की ध्वनि से उसे एक दो बार, तीन बार सुबह, तीन बार शाम बजा देते हैं, आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं ये, त्रिशूल हो गया, डमरू हो गया, बेलपत्र हो गया,
तो ये आप लाकर अपने घर के अंदर मंदिर में सावन के महीने जैसे शुरू होगा पहले ही दिन ही आप लाकर इसको रख सकते हैं। और पहले दिन ना ला पाए तो आप कभी भी लाकर अपने घर के अंदर इनको गंगा जल से पवित्र कर और इनके ऊपर थोड़ा चंदन लगाकर अपने घर में मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि सावन के महीने में हमको, अगर हम सावन के सोमवार व्रत रख रहे हैं तो कैसे रखें, पूरे महीने के रख रहे हैं तो कैसे रखें। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको एक संकल्प लेना होगा। आपको मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिना संकल्प के की गई चीजें पूर्ण नहीं होती हैं। अगर आपको लगता है मुझे सावन के चार सोमवार व्रत करने, ये सावन के सोमवार मैं नमक नहीं खाऊंगी, तो आप पहले ही दिन ये संकल्प लें कि हे प्रभु सावन के चार सोमवार रखना चाहती हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये प्रतिज्ञा पूर्ण करें, मेरा ये संकल्प पूर्ण करें कि मेरे को नमक की इच्छा ही ना हो और मैं मीठा खाकर अपने व्रतों को पूरा करूं। इस तरह से संकल्प लेके आप मीठे का रख सकते हैं। आपको लगता है मीठे का नहीं रह सकते तो एक समय नमक का भोजन आप कर सकते हैं। आप अगर फलाहार करना चाहें तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। दिन में अगर आप नहीं रह पाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और इस तरह की चीजें आप सुबह ले सकते हैं और शाम को एक समय में भोजन या फलाहार आप कर सकते हैं। मीठा और नमकीन दोनों ही कर सकते हैं जिसका भी आप संकल्प लेंगे। तो इसलिए इस ये वाला क्वेश्चन जो आया था कि हमें मीठा रखना चाहिए या नमकीन रखना चाहिए, आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जो भी प्रेम से रख सकें वही व्रत रखिए। जो मेरी बहनें सावन के पूरे महीने का व्रत रखती हैं, अभी कमेंट बॉक्स में पूछा था कि पूरे महीने के व्रत रखें तो कैसे करें, कि आपने सावन के पहले दिन से पूरे महीने का व्रत प्रारंभ करना है, उसमें सिर्फ एक समय आपको आहार ग्रहण करना होता है। ये भी आपको संकल्प लेना है कि पूरे महीने में मैं आहार ग्रहण करूंगी या मैं फलहार ग्रहण करूंगी या खाली मैं फल ग्रहण करूंगी। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है, अपने अपने भाव है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सामर्थ है। कई बार हम शारीरिक रूप से उतने समर्थ नहीं होते कि हम पूरे महीने के व्रत खाली फलों के ऊपर रख लें या खाली फलहार पे रख लें या खाली मीठे पे रख लें। तो आप जो भी संकल्प लेकर व्रत रखना चाहें वो ही रख लीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नमक बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं या आप कुछ भी, आप ये सोचे नियम लें कि मैं एक बार आहार ग्रहण करूं, आहार ग्रहण करें। लेकिन जो भी आप व्रत करते हैं, चाहे आप सावन के सोमवार करें या पूरे महीने का व्रत करें, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसका एक अंश प्रभु को जरूर समर्पित करें, उसका एक अंश प्रभु को जरूर समर्पित करें। जिस समय आप व्रत कर रहे उससे पहले एक अंश भगवान, आप आरती तो करेंगे, पूजा तो करेंगे, भोग लगाएंगे, तो एक अंश प्रभु को जरूर समर्पित करें। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करें और बाकी गाय। ये काम आपको अवश्य करना है। बस एक यही नियम होता है व्रत करने का कि आपने व्रत रखा है। हाँ, आपके घर में कोई कुछ भी खाए, आपको किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगानी है क्योंकि आपकी बंदिश से कोई मानेगा नहीं और फिर आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ी बहुत आपको बेचैनी होगी, थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, जिससे आपका कि व्रत भंग होगा, जिससे आपका पूरा का पूरा ध्यान प्रभु में नहीं लग पाएगा, इसी चीज में लगेगा, मंथन होगा कि आज तो घर में ये बना है, लोगों ने सबने प्याज खा ली, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपका अपने ऊपर जोर है, सबके ऊपर जोर नहीं है, आप मत खाइए। और पूरे सावन के महीने की जितनी भी वीडियोस आएंगी, एक से एक महा उपाय, अनसुने उपाय लेकर मैं आपके बीच में आऊंगी, चाहे वो विवाह के लिए हो, चाहे आपके मनोकामना पूर्ति के लिए हो, चाहे आपके कारोबार के लिए हो, अनेकों 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 लेकर आएंगे। लेकिन जिस दिन आप उपाय करेंगे, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। तामसिक भोजन तो वैसे सावन के महीने में खाना भी नहीं चाहिए, तो मत खाइएगा। भगवान शिव का और मां शक्ति का आपको गठबंधन किस प्रकार करना है और विवाह का उपाय किस प्रकार करना है, वैवाहिक जीवन को सुखमय किस प्रकार बनाना है, सावन का पूरा महीना आपके पास है। दिल खोल कर पूजा कीजिए, पूरे भक्ति भाव से पूजा कीजिए। एक दो तीन चार दस बीस जितने उपाय कर सकते हैं उतने उपाय कीजिए। उपाय करने में कोई भी परेशानी नहीं, हमारे जीवन में आ रही परेशानियों को, बाधाओं को बढ़ने से रोकते हैं ये उपाय, और उनकी जो तासीर कहते हैं कि उनका औरा कम करते हैं, उनका औरा कम करते हैं और हमारी चीजें सही होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो सावन के महीने की समस्त जानकारी मैंने आपको दी, कब से कब तक है और महीने का व्रत और सोमवार का व्रत और क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या खरीद कर लाएं और हम किस प्रकार सावन के महीने में अपने आप को सबके बीच में रहते हुए भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से सात्विक रख सकते हैं। जितना रख सकते हैं उतना रखने का प्रयत्न कीजिएगा। चमत्कारी महीना है, भगवान शिव और शक्ति की पूजा का महीना है, जितना हो सके कर लीजिएगा, जीवन संवर जाएगा। पूरे साल के लिए तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत कर देगा ये
सावन का चमत्कारी महीना, और इसके साथ साथ मंगला गौरी व्रत का भी बता दूं, जो मेरी बहनें मंगला गौरी व्रत रखना चाहती हैं और सावन का सोमवार भी रखना चाहती हैं, वो दोनों व्रत रख सकती हैं। सावन का सोमवार भी रख लीजिए अगर आपकी सामर्थ्य है, और मंगला गौरी व्रत भी रख लीजिए, और एक भी रख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में माँ गौरा की पूजा की जाती है, श्रृंगार की सामग्री अवश्य भेंट करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, कोई भी मीठी चीज अवश्य शाम के समय आपको खानी चाहिए, पहले भोग लगाना चाहिए फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार इन व्रतों के नियम होते हैं, और जो एक अपने संकल्प लेके कार्य करना है कि चाहे मैं कुछ भी ना करूं पर मैं एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, या आपने ऐसा कुछ नियम बना लिया अपने जीवन में, बेलपत्र जरूर चढ़ाऊंगी, मैं भगवान शिव के नाम पर चंदन जरूर लगाऊंगी, मैं भगवान के शिव के नाम पर एक माला जरूर रोज करूंगी, या मैं आज कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना सोचूंगी ना करूं, कुछ भी आप विचार ले सकते हैं, जो भी लेंगे वही आपको कई गुना हजारों गुना होकर मिलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आशा करती हूँ सावन से संबंधित समस्त जानकारी आप तक पहुंच गई होगी और आपको अच्छी भी लगेगी और आपके लिए महत्वपूर्ण भी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद।